हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद कुमार वर्मा एंड यू आर वाचिंग मधुबन बी के इंग्लिश क्लासेस। सो आप सबों का स्वागत है एक बार फिर से मधुबन बी के इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं पेसिव वॉइस ऑफ इनडायरेक्ट कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस। तो चलिए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं इस प्रकार के सेंटेंस को। आज के इस वीडियो में हमारा जो एक्टिव का सेंटेंस होगा वो इनडायरेक्ट स्पीच में है। ओके, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट होता है ना, तो उसी तरह ये इनडायरेक्ट स्पीच में है और ये बेस्ट है हमारा कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस पर। तो हम इसे कैसे पैसिव में चेंज करते हैं, देखिए। अगर सेंटेंस रहे ही आस्क्ड मोहन टू हेल्प हिम, देखिए ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, ठीक है। आई रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, यस इनडायरेक्ट। ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये सारे इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस हैं, हम इसे पेसिव में बदलेंगे। देखिए, तो इसे पेसिव में बदलना बहुत ही आसान है, बिल्कुल दिस इज वेरी सिंपल। बट करना क्या है इसमें, देखिए, ही आस्क्ड मोहन, यहां तक देखिए टू के बाद जो वर्ब लगा हुआ है टू, ठीक है, इसे आप छोड़ दीजिएगा। पहले यहां से हम इसे चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मोहन। ही आस्क्ड मोहन यानी उसने मोहन से पूछा, कहा, ठीक है। तो हम इससे क्या बोलेंगे, अब इसको आप पेसे में चेंज कीजिए। मोहन, देखिए ही आस्क्ड मोहन, उधर अभी छोड़ दिया, अब उधर मत देखिए, यहां देखिए ही आस्क्ड मोहन। तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वी टू, ये हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम ऐसे जैसे मान लीजिए ऐसे जो है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, ये कौन सा टेंस का है, आप देख के समझ गए होंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है ये, है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे चेंज करते हैं, ये पता है, वाज और वर एक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम देखिए इसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। मोहन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहां लिखेंगे मोहन वाज आस्क्ड, क्योंकि आस्क का भीतरी आस्ट ही होता है, तो मोहन वाज आस्ट। अब इसके बाद जो है वो टोटल यहां से लिख दीजिए टू हेल्प हिम, तो बस यहां लगा देना है मोहन वाज आस्ट टू हेल्प हिम, ये हमारा पेसिव बन गया, ठीक है। मोहन वाज आस्ट टू हेल्प हिम। अब इसमें क्या करते हैं, बाय प्लस जो सब्जेक्ट हमारा ये होता है ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, ऐसे सेंटेंसेस में हम बाय प्लस एजेंट नहीं लगाते, उसी तरह इसे भी बनाएंगे। देखिए इधर टू है, टू से यहां का पार्ट आप भूल जाइए, अभी पहले यहां देखिए इतना तक, आई रिक्वेस्टेड हर, ठीक है, यानी मैंने उनसे आग्रह किया, उससे आग्रह किया, तो क्या है कि हर, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वी टू, ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हम इसे ऐसे बनाएंगे पैसिव में, हर है तो हम यहां लिखेंगे सी, इसमें भी वाज लगेगा, सी के साथ वाज, सी वाज रिक्वेस्टेड, सी वाज रिक्वेस्टेड। अब देखिए बाय और अजेंट यानी सब्जेक्ट जो होता है उसे हम नहीं लगाते हैं, बाय प्लस अजेंट, सीधा हम यहां क्या लिखेंगे टू सिंग अ सॉन्ग, सी वाज रिक्वेस्टेड टू सिंग अ सॉन्ग, बस इतना ही लिखेंगे, हमारा पैसिव कंप्लीट। सी वाज रिक्वेस्टेड टू सिंग अ सॉन्ग यानी उससे एक गाना गाने को कहा गया, आग्रह किया गया उससे गाना गाने के लिए। सो अब इसे बनाइए, देखिए ये भी उसी तरह बनाएंगे हम, इधर टू के बाद जो हमारा होगा, ठीक है, इसे छोड़ देंगे, बस इतना ही हम देखेंगे, बहुत आसान है, बस इसे आप पैसे में चेंज कर दीजिए। ही ऑर्डर्ड मदन टू गो आउट, यानी मदन को, उसने मदन को बाहर जाने का आदेश दिया, तो क्या बोलेंगे इसे, ही ऑर्डर्ड मदन, तो यहां लिखेंगे हम मदन, देखिए ये भी जो है हमारा उसी टेंस में है कि नहीं, सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, सो हम यहां से इस तरह लिख देंगे मदन वाज, ऑर्डर है तो यहां भी ऑर्डर्ड ही लगेगा, मदन वाज ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड टू गो आउट, गो आउट, बस ये हमारा तैयार हो गया, मदन वाज ऑर्डर्ड टू गो आउट, यानी मदन को बाहर जाने का आदेश दिया गया, किसने दिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम बाय प्लस एजेंट नहीं लगाते हैं इस सेंटेंस में, ठीक है। हमारा यहां काम ये मतलब आदेश किसने दिया ये जरूरी नहीं, क्या दिया गया वो जरूरी है, ठीक है। तो ये द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम, देखिए इस सेंटेंस को समझिए, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी यानी कि डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया टू टेक मेडिसिन इन टाइम यानी कि दवा को समय पर लेने का, तो हम यहां ध्यान से इसे देखिए देखेंगे द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, यहां तक ये पार्ट हम इसको बनाएंगे, बाकी टू के बाद जो रहेगा
टू वर्ब, उसके बाद जो पार्ट होगा वो उसी तरह सेम जुट जाएगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे द डॉक्टर, ये हमारा सब्जेक्ट, ये भी टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। मी, तो मी को हम आई लिखेंगे, आई, आई के साथ फिर वाज लगेगा चूंकि भी टू है। आई वाज एडवाइज्ड, ओके, आई वाज एडवाइज्ड, आई वाज एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन इन टाइम, टू टेक मेडिसिन इन टाइम, ऐसे लिख देंगे, आई वॉज एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन इन टाइम, ठीक है। यानी कि मुझे सलाह दिया गया, दवा को समय पर लेने का सलाह दिया गया, किसके द्वारा दिया गया ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए उसमें हम बाय प्लस एजेंट नहीं लगाते। देखिए, दे टोल्ड मी टू बी क्विक, उसने मुझसे चौकन्ना होने को कहा, रहने को कहा, ठीक है। क्विक मीन्स चौकन्ना, दे टोल्ड मी, अब टू और ये पार्ट जो है इसे छोड़ देंगे हम, यहां तक बनाएंगे पहले। दे टोल्ड मी, तो आई वॉज टोल्ड, मी ये हमारा सब्जेक्ट, ये भी टू, ए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट पहले, तो हम यहां लिखेंगे आई वॉज टोल्ड टू बी क्विक, आई वॉज टोल्ड टू बी क्विक। अब चलिए इसको देखते हैं, Somebody told me to wait outside. Somebody told me to wait outside. यहां से ये पार्ट लेंगे और इधर हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे इसको हम बना देंगे, Somebody told me, तो I was told. I was told. I was told to वेट आउट साइड। चलिए इसी तरह इसको भी कर देंगे, ही ऑर्डर्ड द पुलिस टू परस्यू द थीप, यानी कि उसने पुलिस को आदेश दिया, आज्ञा दिया, आदेश चोर की पीछा करने का, तो लिखेंगे इसी तरह यहां से, ही ऑर्डर्ड द पुलिस, तो लिखेंगे द पुलिस वॉज ऑर्डर्ड, द पुलिस वॉज ऑर्डर्ड, द पुलिस वॉज ऑर्डर्ड टू परस्यू द थीप, टू परस्यू द थीफ, ऐसे बना देंगे। चलिए इसे देखते हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू लेंड मी योर कार, ये हमारा देखिए आई रिक्वेस्ट है, यहां रिक्वेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट का, तो यहां चेंज हो जाएगा इसमें, ध्यान दीजिएगा। आई सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, यहां तो इधर जो होगा सेम होगा, तो इसमें ऐसे लिखेंगे आई रिक्वेस्ट यू टू लेंड मी योर कार, तो ऐसे लिखेंगे यू, यू से शुरू करेंगे इसको, यू, अब यहां देखिए यहां आर आएगा, यू के साथ आर, आर क्यों आया, चूंकि हमारा ये प्रेजेंट टेंस का, ठीक है, और हमारा सब्जेक्ट यू है, तो यू के बाद जो एक्सिलरी वर्ब होगा, चूंकि हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस में जो हमारा एक्सिलरी वर्ब होता है वो इज आर एम होता है, तो यू के लिए आर आएगा, तो यू आर, ऐसे लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यहां तो तीसरा रूप लगेगा ना वर्ब का, आर ई क्यू यू ई एस टी, ई डी लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लैंड मी योर कार, ये पूरा लिख देंगे यहां, टू लैंड, लैंड मी योर कार, ये बन गया। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इस तरह से बनाएंगे, आराम से बना सकते हैं, बस करना क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आराम से इसी तरह सीख जाएंगे, बस प्रैक्टिस, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।